तो भाई आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे किंग खान ने बॉलीवुड में इस टाइम कितने जबरदस्त तरीके से एंट्री दी है 2023 के अंदर। पहले पठान और फिर जवान ने जो सक्सेस पाई है ना, उसके बारे में तो कहना ही क्या है। पिक्चर सुपर डुपर हिट तो बॉस इनकी हो ही गई है दोनों, अब एक्सपेक्टेशंस है इनकी डंकी से, क्योंकि डंकी रिलीज होने वाली है 22 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, और 22 दिसंबर को जब डंकी रिलीज होगी तो इसके अंदर जो कहानी दिखाई जाने वाली है ना, वो कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी होने वाली है। साथ ही साथ कहानी देख के आप लोग भी एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक्शन इतना देखने को तो नहीं मिलने वाला, बट हाँ एक्शन के रिएक्शंस जो होते हैं, यानी इमोशंस जो होते हैं थोड़े से, वो इस मूवी में थोड़े नहीं काफी लेवल पे देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक्शन देखना था तो पठान और जवान में आप देख ही चुके हैं, बट यहां पर इमोशंस देखने को प्रॉपरली मिलने वाले हैं। साथ ही साथ तापसी पन्नू है इस मूवी के अंदर, और भैया हमारे विक्की कौशल आज का लौंडा जो कैटरीना कैफ को ले गया, वो भी है इस मूवी में। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में कहानी क्या होने वाली है। इस मूवी की कहानी है बेस्ड कनाडा और इंडिया के ऊपर, कि इंडिया से किस तरह अवैध रूप से लोग अमेरिका से होते हुए कनाडा में एंट्री करते हैं, यानी यूएसए में जाते हैं, और कितनी बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं। तो कुछ इस तरह की स्टोरी दिखाई जाने वाली है हमारी कौन सी पिक्चर, बॉस डंकी के अंदर। बट यहां एक चीज और है, वो एक चीज क्या है भैया, जो डंकी के डायरेक्टर है ना राजकुमार हिरानी, उन्होंने तो बस एक चीज कह दी है, और वो चीज कही क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी आगे जाके बताऊंगा, बट उससे पहले बताता हूँ मुकेश छावड़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुकेश छावड़ा कौन है आप लोग सोच रहे होंगे, मुकेश छावड़ा है जिन्होंने कलाकारों को इकट्ठा करा है। तो भैया ये जो मुकेश छावड़ा है, ये एक्चुअली इस मूवी में कास्टिंग डायरेक्टर है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, एक बहुत बड़ी चीज बोल दी है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कह दिया है कि इस मूवी को जो देखेगा ना, वो देख के इसका फैन हो जाएगा, और फैन किस तरह होएगा उन्होंने ये भी कह दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि जिन्होंने थ्री इडियट्स को देखा है ना, और थ्री इडियट्स सुपर डुपर हिट मूवी रही है, थ्री इडियट्स को जिन्होंने देखा है उससे 100 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है, और 100 गुना ज्यादा इमोशनल मूवी होने वाली है ये, और 100 गुना ज्यादा मजा आने वाला है इस मूवी को देखने के अंदर। तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है, और राजकुमार हिरानी ने ही बनाई थी थ्री इडियट्स, आप लोग जानते हैं इमोशंस कितने थे। साथ ही साथ मुकेश छावड़ा ने कहा कि जब वो इसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे, तो कई बार वो इसकी स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते रो दिए थे, यानी इमोशंस इसके अंदर जबरदस्त तरीके से भर के देखने को मिलने वाले। तो भैया इतना तो तय हो चुका है कि जो दो पिक्चरों के अंदर हमारे शाहरुख खान ने एक्शन जैक्शन बन के दिखाया है ना, अपना अवतार दिखाया है ना, कि भैया मैं चॉकलेटी बॉय नहीं हूं, रोमांटिक हीरो नहीं हूं, उसके अलावा मुझे एक्शन भी जबरदस्त तरीके से करना आता है, जो बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। अब ये दिखाने वाले कि इमोशंस भी मेरे अंदर इतने जबरदस्त तरीके से भरे हुए हैं, और इमोशनल एक्टिंग भी मैं इतने बड़े लेवल पे कर सकता हूं, जो बॉलीवुड में कोई नहीं कर सकता। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि मुकेश छावड़ा ने ये कह दिया है कि जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये पिक्चर डंकी ही होने वाली है। और मुकेश छावड़ा ने ही नहीं कहा, ये राजकुमार हिरानी ने खुद का है जो डायरेक्टर है इस मूवी के। और डंकी को लेकर तो भैया हमारे शाहरुख खान भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, कम नहीं है उनके मन में सवाल कि भैया क्या पिक्चर मचाएगी ये बवाल। वैसे वो जानते हैं पिक्चर बवाल एक अलग ही लेवल पे मचाएगी। वैसे आप लोग को पता ही है कि थोड़े टाइम पहले सालार और उसके बीच में क्रैश होने वाला था, तो इस वजह से हमारे जो शाहरुख खान ने, उन्होंने एक कदम पीछे लिया और डंकी को 22 दिसंबर को रिलीज करने का फैसला लिया। अभी तो 22 दिसंबर की डेट फिक्स करी हुई है, बट इसके बाद क्या होता है ये देखने को पता चलेगा। बट इतना जान लीजिए कि इस पिक्चर के अंदर आपको इमोशनल सीन्स बहुत दिखने वाले हैं, साथ ही साथ पिक्चर की जो कहानी होने वाली है ना, बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि मैंने बता दिया अवैध रूप से किस तरह इंडिया से लोग अमेरिका होते हुए कनाडा के अंदर एंट्री करते हैं, और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, कितनी सारी कठिनाइयों को वो देख के जा रहे हैं, फाइनेंशियली वीक है, मेंटली वीक है, उन सब परेशानियों को झेलते हुए वो कनाडा के अंदर अवैध रूप से जाते हैं, और वहां कितनी परेशानियों का सामना करते हैं, वो इस मूवी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो भैया मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पठान और जवान ने कलेक्शन कराए, क्या डंकी वो कलेक्शन कर पाएगी, ये आप लोगों के लिए सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को बता रहे हैं। साथ ही साथ शाहरुख खान भी एक्साइटेड है, राजकुमार हिरानी भी एक्साइटेड है, मुकेश छावड़ा भी एक्साइटेड है, तापसी पन्नू भी एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर, और भैया हमारा आजकल का लौंडा यानी विक्की कौशल भी इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है। तो इनकी एक्साइटमेंट क्या जबरदस्त तरीके से इस मूवी का कलेक्शन बन के सामने आएगी या नहीं आएगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और छोटा मुंह बड़ी बात देखते रहो, बातें तो भाई बड़ी बड़ी मिलेंगी, मुंह छोटा है तो क्या हुआ, और हमारे चैनल पे बने रहिए। नमस्कार।